अस्सलामु अलैकुम। एवरी डे इज़ अ न्यू डे, और रोज़ाना हमें कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलता है। तो आज का दिन, क्योंकि इतवार का दिन है, ये बैकग्राउंड पे जो आपको आवाज़ें आ रही हैं, ये एक तो मोटर चल रही है और मशीन लगी हुई है, कपड़े धुल रहे हैं, और छोटे भाई ने म्यूज़िक लगाया हुआ है। तो ये तीनों कॉम्बिनेशन आप ये ना समझिएगा कि कोई बैकग्राउंड म्यूज़िक मैंने दिया हुआ है, ये नेचुरल बैकग्राउंड म्यूज़िक है। तो चलें वीडियो की तरफ चलते हैं। आज जो टॉपिक तो नहीं है, एक छोटी सी बात ही आपको बतानी थी कि सिटीज़न पोर्टल जो बनाया है, लें जी मुबारक हो, साथ वालों ने भी मशीन चला दी है, उसकी आवाज़ हमारे से भी ज़्यादा है। अच्छा जी, उस पर ना ये जो वज़ीर आज़म का सिटीज़न पोर्टल है, इसके ऊपर मैंने एक कंप्लेंट की थी। ये अली एक्सप्रेस की पेमेंट जो क्योंकि पाकिस्तान में आ नहीं रही थी, क्योंकि वो जो है ना वो डॉलर में पेमेंट करते हैं वायर ट्रांसफ़र के ज़रिए, और हमारे पास डॉलर का अकाउंट तो खुल जाता है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन उसके अंदर कोई सर्विसेज या कमीशन के जो है ना अमाउंट, वो नहीं आ सकती। ये स्टेट बैंक का की पॉलिसी है, रूल है, इसको मैंने हाईलाइट किया था। तो पहली कंप्लेंट जो लॉन्च की थी उन्होंने क्लोज़ कर दी, और उसमें उन्होंने उसका डिसीजन ये लिखा, ये आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, कि पार्शल रिलीफ ग्रांटेड। ठीक है, तो अब ये देखें जी, ये कंप्लेंट का स्टेटस, 19 जनवरी को ये कंप्लेंट लॉन्च की थी, और इसमें आप देख सकते हैं कि ये पाकिस्तान, पंजाब और ये सारा हमारा डिटेल आ रही है, और ये सरमायाकारी में मैंने इसको रजिस्टर करवाया था बैंक से मुतल्लिका मसाइल में। ठीक है जी, बैंक रिलेटेड इश्यूज़ तफसील आपके सामने आ रही है। अस्सलाम वालेकुम जनाब अली, मैंने चाइना की वेबसाइट अली एक्सप्रेस पोर्टल से $200 कमीशन कमाई थी, जो वो पूरी दुनिया में वायर ट्रांसफ़र के ज़रिए भेजते हैं, लेकिन ये कमीशन सिर्फ डॉलर अकाउंट में भेजते हैं। बंदा ने डॉलर अकाउंट बैंक अल्फला में खुलवाया और बैंक को वायर ट्रांसफ़र के ज़रिए रकम का मसला आ गया, लेकिन इन्होंने ये कहकर इसे वापस भेज दिया कि स्टेट बैंक के कवानीन के मुताबिक कोई भी कंपनी किसी फ़र्द को डॉलर में रकम नहीं भेज सकती, लिहाजा इस कानून के मुताबिक मेरी कमीशन की रकम ना आ सकी। मैंने इसे हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक में भी मंगवाने की कोशिश की, तो यही मसला दरपेश आया। हर दफ़ा $15 कटते हैं अगर हम पैसे निकलवाने की दरख्वास्त देते हैं। जनाबे अली, पूरी दुनिया में लोग इस पोर्टल से ना सिर्फ पैसे कमा रहे हैं बल्कि इसको रोज़गार बनाया हुआ है। हुकूमत से गुजारिश, आप बराए मेहरबानी स्टेट बैंक से कहकर ये कानून तब्दील करवाएं, ताकि मुल्क में पैसा आए, ये हमारी हलाल की कमाई का पैसा है। ठीक है जी, तो इसके ऊपर जो फिर हमें यानी कह लें कि जो रिस्पांस आया वो ये था कि पहले जो है ये, अगर हम तफसीलात देखें पे क्लिक करते हैं, तो पहले हुआ ये कि फ़र्स्ट उसमें जो है ना साथी सिस्टम ने इसको इनिशिएट किया और चेयरमैन BOI को मार्क किया। जो चेयरमैन BOI थे उन्होंने कंप्लेंट पे अपने रिमार्क्स दिए कि कंप्लेंट हैज़ बीन असाइन टू चेयरमैन BOI। अच्छा, ये पहले रिमार्क्स है। फिर ये फ्रॉम से टू हो गया, यानी फ्रॉम से आगे फॉरवर्ड हुई, चेयरमैन BOI ने उसे फॉरवर्ड कर दिया गवर्नर स्टेट बैंक को 22 जनवरी को, यानी 3 दिन बाद कंप्लेंट के। और उसके बाद इस पर जो कमेंट आए स्टेट बैंक के यानी स्टेट बैंक की अथॉरिटीज़ की तरफ से, वो 16 फरवरी को आए कि क्लोज्ड एंड पार्शियल रिलीफ ग्रांटेड। और उसमें इसके ऊपर कमेंट ये किया गया कि डियर सर मैडम, योर कंप्लेंट हैज़ बीन फॉरवर्डेड टू द बैंक एंड कंसर्न डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान फॉर कंसिडरेशन नेसेसरी एक्शन एज पर पॉलिसी रिगार्ड्स। ठीक है जी, तो जारी बात है ये काम जो है ये पॉलिसी मैटर है, पॉलिसी से रिजॉल्व हो रहा था। मैंने खैर इसको जो है ना इसका फीडबैक नेगेटिव दे दिया है, जो शायद मुझे देना नहीं चाहिए था, लेकिन चले क्योंकि मेरा जो है वो इशू रिजॉल्व नहीं हुआ, इसलिए मैंने इसको नेगेटिव रैंक किया, और मैंने एक कंप्लेंट इसकी फ्रेश कंप्लेंट और लॉन्च कर दी है। ठीक है जी, यहाँ पे अभी मेरी एक ओपन कंप्लेंट आ रही है, तो इसको इसमें मैंने इसकी डिटेल्स दोबारा सेम आलमोस्ट सेम डिटेल्स लिख दी हैं कि जी अब उसी तरह से सारा कुछ, यही बैंक के मसाइल और ये शिकायत थोड़ी सी तब्दील कर दी है। अस्सलाम वालेकुम, मैंने पहले भी एक कंप्लेंट की है कि बाहर किसी भी मुल्क से अगर सर्विस के पैसे यानी कोई कमीशन अगर वो हमारे डॉलर के अकाउंट में वायर ट्रांसफ़र के ज़रिए भेजते हैं,
तो स्टेट बैंक की पॉलिसी के मुताबिक वो ट्रांजैक्शन रिजेक्ट हो जाती है और कमर्शियल बैंक डॉलर में वायर ट्रांसफ़र वसूल नहीं करते। ये सरासर हमारी हक तलफी है। चाइना अली एक्सप्रेस वाले हमें कमीशन सिर्फ डॉलर के अकाउंट में वायर ट्रांसफ़र के ज़रिए भेजते हैं। बराए मेहरबानी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से दरख्वास्त है कि वो इस ज़मन में फौरी अपनी पॉलिसी तब्दील करे ताकि पाकिस्तान के शहरी भी अपनी कमीशन वसूल कर सके। मेरे $250 थे कमीशन के, जो कि 3 दफ़ा ट्रांजेक्शन रिजेक्ट हो चुकी है। हर दफ़ा पैसे निकलवाने की दरख्वास्त देने पर $15 कटौती होती है अली एक्सप्रेस की जानिब से। बराए मेहरबानी हमें इस नई हुकूमत से और स्टेट बैंक के आला डायरेक्टर लेवल के बंदों से बहुत उम्मीदें वाबस्ता है। प्लीज़ पॉलिसी में कैसे तब्दीली करवाई जा सकती है फौरन करवा कर शुक्रिया का मौका दें। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे और इस कार खैर पर अजर अजीम अता फ़रमाए। उसके बाद आप ये देखें कि उसमें मैंने 3 स्नैपशॉट्स अटैच कर दी हैं। एक ये जिसमें ये अमाउंट आ रही है, और दूसरी ये जो मेरी पहले वाली कंप्लेंट थी उसका भी स्नैपशॉट, और तीसरी उसका जो पहले वाली कंप्लेंट के ऊपर पार्शियल रिलीफ का ये जो डिसीजन हुआ था। तो अच्छी उम्मीद रखें क्योंकि चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होती जा रही हैं। कुछ लोगों का क्वेश्चन ये भी था कि जो अली एक्सप्रेस की कमीशन आती है क्या वो पेनियर के अंदर आ सकती है, तो पेनियर जो है वो वायर ट्रांसफ़र जो है अलाउ नहीं करता, आप याद रखें, ठीक है। यानी मुराद ये है पेनियर में आपका US डॉलर का अकाउंट खुलता है और आपका वो अकाउंट जो मेंटेन हो रहा है वो फिज़िकल बैंक बैंक ऑफ अमेरिका के अंदर मेंटेन हो रहा है, ठीक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक उन्होंने लोकल वायर ट्रांसफ़र तो है, यानी अगर आपके पैसे USA की किसी कंपनी ने आपको सर्विस चार्जेस दे तो वो तो शायद आ जाएं, क्योंकि लोकल ट्रांजैक्शन वो हो जाएगी और आपके बैंक ऑफ अमेरिका में हो जाएंगे। लेकिन क्योंकि चाइना से आपकी ये पेमेंट आनी है, ये जो इसकी पेमेंट है अली एक्सप्रेस कमीशन की, तो वो दूसरी कंट्री से है, उसे आप लोकल नहीं कह सकते, तो उसमें आपको जारी बात है फिर वो इशू है कि आपने क्या करना है कि आपने फ़िलहाल अभी आपने परेशान नहीं होना। जो लोग काम शुरू करना चाहते हैं वो ज़रूर शुरू करें। वो क्या होगा कि उनकी जितनी अमाउंट बनेगी वो अपने किसी रिलेटिव का अकाउंट नंबर दे दें, जो रिलेटिव किसी और कंट्री में है और वहाँ पे डॉलर का अकाउंट मेंटेन कर रहा है, तो वायर ट्रांसफ़र में उसका सारा उसकी सारी डिटेल्स दे दें, जो भी स्विफ्ट कोड और उसका नाम भी उसी का दे दें, कोई मसला नहीं है। 200, 400, 500 डॉलर, $1,000 तक बाहर की कंट्रीज़ में इतने डॉलर्स का कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, ठीक है जी। वहाँ पे आपकी अमाउंट जाएगी, वो अपने उसको विड्रॉ करेगा या आपको वेस्टर्न यूनियन के ज़रिए, जैसे लोग यहाँ पाकिस्तान में पैसे भेजते हैं उसी तरह आपको भेज देगा। लेकिन ये काम उस बंदे से करवाएं, ये ज़रूर ज़हन में रखिएगा कि जो बंदा एक तो रिलायबल हो, और दूसरी बात ये है कि उसको कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत आइडिया भी हो कि पैसे कैसे जो है ना पाकिस्तान में भेजने। वैसे ये तो सबको ही पता होता है जिनको कुछ अरसा हो गया होता है या जो अकाउंट मेंटेन कर रहे होते हैं, उनको इतना अंदाज़ा तो होता है, ठीक है। तो आज की ये वीडियो जो है, उम्मीद है कि इसमें आज हमने 2 चीज़ें सीख ली हैं। आप भी, मैं तो कहता हूँ कि सिटीज़न पोर्टल के ऊपर कंप्लेंट लॉन्च करें कि जो है ना ये सर्विसेज़ की इसको जो अलाउ किया जाए। अगर किसी को ये डिटेल चाहिए हो के तो वो मुझसे रابطہ करे, और ये ऐप अवेलेबल है। शुक्रिया जी।